मुख्यमंत्री गहलोत का बजट भाषण, 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को 50 यूनिट फ्री, 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट अनुदान, 150 से 200 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा। चिरंजीवी योजना में अब 5 लाख की बजाय 10 लाख तक इलाज होगा। किसी व्यक्ति का चिरंजीवी कार्ड नहीं होगा तो कलेक्टर को अधिकृत किया। सरकारी अस्पतालों में इलाज पूरी तरह फ्री, कई जिलों के जिला अस्पतालों को दिया बिस्तरों की बढ़ोतरी का तोहफा। 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, जोधपुर में नया डेंटल कॉलेज बनेगा, 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 600 करोड़, 50 उप स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 7 संभाग मुख्यालयों पर सुपर स्पेशलिटी सेवाएं विस्तारित की जाएगी, नवलगढ़ में खुलेगा जिला अस्पताल, प्रत्येक जिले में कैंसर डायग्नोसिस वैन उपलब्ध होगी, 19 ब्लॉक में आयुष चिकित्सालय, 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की होगी भर्ती, सड़कों की दुर्घटनाओं को रोका जाएगा, वाहन चालकों की नियमित चेकिंग के अलावा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन प्रस्तावित, जयपुर में रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा, शिक्षा के लिए सीएम की घोषणा, सभी सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत होंगे, शिक्षा के लिए सीएम की घोषणा, 2000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती होगी। राजस्थान सरकार के 2022 के बजट में मुख्यमंत्री वित्त मंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में पुरानी पेंशन नियम बहाल किए जाने की घोषणा पर राज्य कर्मचारियों ने जुलूस निकाला व नारे लगाए गए। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के जुलूस में महिला कर्मचारी भी शामिल थी। जुलूस अशोक गहलोत जिंदाबाद, राजस्थान सरकार जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ बाजारों में से निकला। कर्मचारियों ने खुशी में गुलाल खेला, सिर पर पेंशन वाली पट्टियां भी लगाई हुई थी। आज जो बजट के अंदर राजस्थान सरकार ने ओपीएस को लागू करने की जो घोषणा की है, उसी के धन्यवाद देने के लिए ये रैली, धन्यवाद रैली एनपीएस ईएफआर राजस्थान के द्वारा ये इसको आयोजन किया गया था। बड़े लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे थे और ये हमारी मांग थी कि ओपीएस को लागू किया जाए और एनपीएस को बंद किया जाए, और इसी क्रम में अप्रत्याशित रूप से जैसे ही आज सरकार ने यह घोषणा की तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में खुशी की लहर दौड़ गई और बड़ी भारी संख्या में उन्होंने आज इस धन्यवाद रैली को का आयोजन किया, और हम राजस्थान सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया गहलोत सरकार। राज्य सरकार द्वारा बजट में एटा सिंगरासर माइन पर घोषणा न होने से नाराज टिब्बा क्षेत्र के समस्त किसान व किसान नेता राकेश बिश्नोई गांव गुसाईसर की पानी की टंकी पर चढ़े। आज किस मामले को लेकर आप टंकी पर चढ़े हो? राजस्थान में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय एटा सिंगरासर के 54 गाँवों के लिए आंदोलन चला था, उसमें राजस्थान की सरकार से सिंचाई सचिव से ये समझौता हुआ था कि राजस्थान में अगर कहीं भी पानी मिलेगा तो वो सर्वप्रथम एटा सिंगरासर के 54 गांवों को मिलेगा। उसके बाद में सरकार बदलने के बाद में कांग्रेस की सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि आपके समझौते के मुताबिक एटा सिंगरासर को पानी दिया जाएगा, उसके बाद में अन्य जगह पर पानी दिया जाएगा। लेकिन आज राजस्थान की सरकार ने बजट घोषणा के अंदर एटा सिंगरासर को पानी ना देकर, कमेटी ना बनाकर, बजट ना देकर नोर बादरा के 28 गांव और चूरू जिले के 2 गांवों को शामिल करके 30 गांवों को पानी देने का जो प्रोग्राम बनाया है, इससे पूरे इलाके में 54 गांवों में आक्रोश है। हम राजस्थान की सरकार को कहना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार वादा खिलाफी नहीं करे। पिछले कई दशकों से एटा सिंगरासर माइनर की मांग उठती आई है, लेकिन राजस्थान की सरकार जो भी सरकारें बनी हमेशा भरोसा दिलवा देती है। इस इलाके में जब आंदोलन था उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की एक कमेटी बनके गांव ठुकराना के अंदर आई थी और उस कमेटी ने कहा था कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सर्वप्रथम यहां पे पानी दिया जाएगा, आप हमारे पे भरोसे करो। लोगों ने उस भरोसे पे राजस्थान की सरकार को, कांग्रेस को वोट किया, लेकिन सरकार बनने के बाद में सरकार ने हमेशा वादा खिलाफी की और आज बजट के अंदर वादा खिलाफी की है। राजस्थान की सरकार को कहना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि एटा सिंगरासर के इलाके को पानी दिया जाए और यहाँ के जो किसान है उसको आक्रोश को खत्म किया जाए। तो राकेश जी आगे क्या रहेगा आपका? आगे धीरे धीरे गांव में सूचना फैल चुकी है, 54 गांवों में
लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख रहे हो नीचे 500-700 हजार आदमी नीचे बैठे हैं, और हमारे जो पिछले आंदोलन में जो संघर्ष करने वाले जो साथी थे, गोविंद हेतराम जी, बेनीवाल, शोभा जी, ओम जी, सत्य प्रकाश जी, तमाम अमित कल्याणा, सारे साथी यहाँ पे पहुंचेंगे और सारे साथी मिलकर आगे का प्रोग्राम तय करेंगे। लेकिन जब तक राजस्थान की सरकार 54 गांवों के लिए कुछ नहीं करती है, तब तक हम टंकी पर बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब राजस्थान की सरकार को तय करना है कि राजस्थान की सरकार क्या घोषणा करती है। मारवाड़ी युवा मंच एवं अग्रवाल समाज समिति सूरतगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में 26 फरवरी शनिवार को एक दिवसीय कैंसर जांच शिविर अग्रसेन भवन सूरतगढ़ में लगाया जा रहा है। प्रकल्प प्रभारी डॉक्टर जगजीत सिंह के अनुसार अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की कैंसर डिटेक्शन मोबाइल बस सूरतगढ़ शुक्रवार शाम को पहुंचेगी। आज साधारण समारोह में कैंसर जांच शिविर के पोस्टर का विमोचन नगरपालिका चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा, मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय उपाध्यक्ष मुख्यालय भरत मुधड़ा एवं ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री धर्मदास सिंधी, अग्रवाल समाज समिति के सचिव अंकुर गोयल ने संयुक्त रूप से किया गया। मंच अध्यक्ष महेंद्र बैद ने बताया कि नगरपालिका द्वारा इस शिविर के प्रचार प्रसार के लिए कचरा संग्रहण वैन पर जागरूकता संदेश प्रेषित करने में भी सहयोग किया जा रहा है। जांच की हाईटेक बस से शहरवासियों की निशुल्क कैंसर जांच की जाएगी। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा संचालित जागृति अभियान के तहत लगभग 2 करोड़ की लागत से बनी इस मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग वैन को चाईबासा KSR रुंगटा ग्रुप ने प्रायोजित किया है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा पूरे भारत वर्ष में इस बस के माध्यम से शिविर लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत राजस्थान प्रांत से की गई है। सूरतगढ़ राजस्थान की तीसरी शाखा है जो इस बस का लाभ आमजन को पहुंचा रही है। इस शिविर में लगभग 125 लोगों की ही जांच हो पाएगी। जिन लोगों में कैंसर संबंधित कोई भी लक्षण है, वो एवं अन्य आमजन सभी के लिए भी इस वैन के जरिए मुफ्त में चेकअप कराने की व्यवस्था है। कैंसर डिटेक्शन मोबाइल बस में इस गंभीर बीमारी की जांच के साथ इलाज के विशिष्ट चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे। आज पोस्टर विमोचन मंच सचिव अंकित कुक्कड़, औषधालय प्रभारी डॉक्टर निशांत स्वामी, पार्षद गण एवं नगरपालिका कर्मचारी मौजूद रहे।